आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आपने सुना तो होगा पर आप उसको काफ़ी डीपली और सिंपल तरीके से समझ नहीं पाए होंगे दोस्तों। तो आज के इस टॉपिक में हम डेल्टा की बात करेंगे दोस्तों। आज इस टॉपिक पर हम आपको इतना बेहतरीन तरीके से समझाएंगे जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने इसको डीपली समझा और प्रॉपर फॉलो किया तो दोस्तों आपको मार्केट में एक प्रॉपर टारगेट और प्रॉपर ऐसा लगाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ये हमारा आपको प्रॉमिस है, अगर आप इसको प्रॉपर फॉलो करोगे, इस सेटअप को आप प्रॉपर वॉच करोगे दोस्तों, वीडियो में बने रहना। मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप एक परफेक्ट एनालिसिस करके एक परफेक्ट स्टॉप लॉस, एक परफेक्ट स्टॉप लॉस और एक परफेक्ट टारगेट कैसे लगा सकते हो। एक एसएल और एक टारगेट की भूमिका आपको पता है मार्केट में कितनी बड़ी है दोस्तों, ठीक है। एक परफेक्ट एसएल और एक परफेक्ट टारगेट आप कैसे लगा सकते हो वो आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। और आपको कैसे एक सिंपल मेथड से, सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से कैसे एक परफेक्ट स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो, कैसे एक आप टारगेट लगा सकते हो, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों डेल्टा, पहले तो आपको ये जानना होगा कि डेल्टा होता क्या है। डेल्टा हमारा प्राइस मूवमेंट को डिसाइड करता है कि हमारा स्टैक प्राइस, कौन सा स्टैक प्राइस कितना मूवमेंट करेगा, कितना प्राइस मूवमेंट करेगा। ये आपको हम सिंपली, बहुत सिंपल तरीके से समझाने के जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप इस चीज को बहुत डीपली समझना, आराम से लिख लेना, जो भी आपको नोट डाउट होगा वो आप कमेंट करके हमको पूछ लेना, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों, पूरा देखना। आपको अंत में बताएंगे कि कैसे आप एक परफेक्ट स्टॉप लॉस, एक परफेक्ट टारगेट लगा सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो दोस्तों आपको पहले तो ये समझना होगा कि हमारा डेल्टा किस प्रकार प्रीमियम को मूव करने देता है, किस प्रकार प्रीमियम मूव करता है डेल्टा के थ्रू, या डेल्टा हमारे प्रीमियम पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, ठीक है। तो हम जैसे देखो, हमारे पास तीन तरीके के स्टैक प्राइस होते हैं दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा अगर आपको किसी को नहीं पता होता है कि एटीएम, एटीएम आईटीएम वो क्या है, ठीक है। वो हमने पूरी वीडियो बता रखी है दोस्तों। एटीएम, ओटीएम और आईटीएम हमारे तीन स्टैक प्राइस होते हैं दोस्तों। स्टैक प्राइस की भूमिका यहाँ भी महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। ये हमने पूरा पिछली वीडियो में कवर कर रखा है दोस्तों। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर वॉच कर सकते हो जिसकी जिन्हें अभी तक नहीं देखी है, ठीक है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि कैसे किसी स्टॉक प्राइस में हमको कितना स्टॉप लॉस और कितना टारगेट मिल सकता है। कि हमारा, अगर हमारा स्पॉट चार्ट हमारा 100 पॉइंट मूव कर रहा है तो हमारे 100 पॉइंट के मूव में हमारा एटीएम का स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा, आईटीएम का स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा, ओटीएम का स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहना। तो चलिए बताते हैं, अभी आप सपोज कीजिए मार्केट हमारी 44,000 के पास चल रही है दोस्तों, ठीक है। हमारी मार्केट 44,000 चल रही है अभी, एक सेकेंड। हमारी मार्केट 44,000 हमारा करंट प्राइस है मार्केट का। और अब इसके बाद हमको करना क्या है दोस्तों, आप समझना, ठीक है। आपको पहले तो ये समझना होगा कि हमारा कौन सा स्टॉक प्राइस कितना मूवमेंट देगा हमको, ठीक है। उसके बाद बाकी की क्लियरिफिकेशन देते हैं, कैसे स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है वो बाद की बात है। पहले आप ये समझना कि कौन सा स्टॉक प्राइस कितना मूवमेंट किस टाइम करेगा, ठीक है। आप एक चीज़ को समझना दोस्तों, एटीएम हमारा हमेशा बेस्ट रहता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। एटीएम स्टॉक प्राइस एट द मनी का स्टॉक प्राइस जो भी होगा वो आपको सफिशेंट टारगेट और रिस्क मैनेजमेंट, परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट जो होगा वो हमारा हमेशा एटीएम में रहेगा, ठीक है। ओटीएम में लॉस करने की चांसेस आपको पता है कितने ज़्यादा होते हैं, और सभी ने लगभग मार्केट में सभी ने स्टॉप लॉस खाया है ओटीएम में, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझना होगा, ठीक है। जैसे मार्केट में अभी हमारा करंट प्राइस, मार्केट में करंट प्राइस 44,000 है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे, और हमने एनालाइज किया दोस्तों कि हमारा स्पॉट हमारा 44,100 तक जाएगा, तो हमको कौन सा कॉल कितना मूव देगा और कौन सा कॉल कितना मूव नहीं देगा वो आपको हम बताने जा रहे हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। समझना, दी बड़े काम ले होकर समझना, आराम से इसको वॉच लेटर में डाल लेना अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, प्रॉपर टाइम देकर इस वीडियो को देखना दोस्तों, ठीक है। तो हमको समझना क्या है कि हमारा अगर मार्केट करंट मार्केट प्राइस 44,000 है और हमने एनालाइज किया कि हमारा मार्केट 44,100 तक जाएगा, तो मेरे को यहाँ पर आईटीएम कितना मूव देगा, एटीएम कितना मूव देगा, ओटीएम कितना मूव देगा वो आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो आपको करना क्या है सिंपली दोस्तों, आपको चीज समझनी होगी पहले तो। हमारा मार्केट प्राइस अगर 44,000 है तो हमको अगर 44,000 के कॉल लेना है, एटीएम कॉल लेंगे हम, तो वहां पर हमको 100 पॉइंट स्पॉट मूव करने के बीच बीच में हमको 100 पॉइंट का मूव
सॉरी 50 पॉइंट का मूव एटीएम स्टैक प्राइस दे देगा दोस्तों, जो कि और कोई अदर स्टैक प्राइस देगा नहीं आपको, क्योंकि इसका रिस्क मैनेजमेंट कम रहता है और काफ़ी अच्छा परफेक्ट स्टैक इसका रिस्क मैनेजमेंट रहता है दोस्तों, ठीक है। तो एटीएम अगर हम लेते हैं, जैसे अगर हमारा 40,000 का स्पोर्ट लेवल है, ठीक है, और हमको एनालिसिस किया गया, हमने 44,100 मार्केट जाएगा और हम 44,000 की कॉल लेते हैं दोस्तों, तो ये अगर 44,000 मार्केट हमारी 44,100 हो जाती है तो हमको 50 पॉइंट का प्रॉपर मूव मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम डीप हम आईटीएम की तरफ देखते हैं दोस्तों, अगर हम आईटीएम की बात करते हैं तो वहां पे हमको पॉइंट ज्यादा मिलेंगे दोस्तों, समझना। हम जैसे जैसे आईटीएम की ओर बढ़ते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, रेंज बढ़ाते जाएंगे, हम कॉल साइड की बात कर रहे हैं अभी दोस्तों, ठीक है। अगर हम 43,900 का कॉल लेते हैं, आईटीएम बाय करते हैं, तो हमको वहां पर 55 पॉइंट मिलेंगे दोस्तों, जहाँ हमें एटीएम में 50 पॉइंट मिल रहे थे वहाँ पर हमें 55 पॉइंट मिलेंगे। और अगर हम वही इसके जगह हम 43,800 का कॉल लेते हैं तो हमको वहाँ पर 60 पॉइंट का मूव मिलेगा, अगर हमारा स्पोर्ट 44,000 से 44,100 तक का मूव देता है। 43,700 में हमें 65 पॉइंट का मूव मिलेगा दोस्तों, जो कि 50 पॉइंट का हमें एटीएम में मिल रहा था, उससे नीचे आए एटीएम में, आईटीएम में सॉरी 55 पॉइंट का, उससे और नीचे आए 43,800 पर आए तो 60 पॉइंट का, और 43,700 आए तो 65 पॉइंट का। तो दोस्तों आपको इसको समझना होगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हर 100 पॉइंट के स्टैक प्राइस के डिफरेंस में हमको 5 पॉइंट का डिफरेंस मिलेगा। हम अगर अपसाइड देख रहे हैं, अगर हम ओटीएम की ओर देखेंगे तो हम, चलो ओटीएम की बात करें, तो अगर हम 44,100 का ओटीएम बाय करते हैं, ठीक है, तो हमको यहाँ पर 50 पॉइंट की एटीएम कैश कंपेयर टू एटीएम 50 पॉइंट नहीं मिलेंगे दोस्तों, हमको ओटीएम में 45 पॉइंट का मूव देखने को मिलेगा। ये हम ओटीएम की बात कर रहे हैं दोस्तों, ओटीएम की बात कर रहे हैं, ओटीएम में हमेशा आपको पॉइंट कम मिलेगा, ठीक है। ये आउट ऑफ द मनी स्टैक प्राइस की बात हो रही है दोस्तों, जो आउट ऑफ मनी हमारा प्राइस होगा हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम वही 44,200 की बात करते हैं तो हमको वहां पर 40 पॉइंट का ही मूव मिलेगा, 5 पॉइंट ओटीएम की तरफ घटते जाएंगे और आईटीएम की जगह इसी केस में आईटीएम में बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों आप ओटीएम की कमी खामी समझो, ओटीएम का ट्रेड लेना कितना गलत है कितना सही है, वो चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएगी। ओटीएम के ऊपर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे हमें ट्रेड करना चाहिए, हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उसके लिए, ठीक है। तो अगर हम 43,400 का कॉल लेते हैं, ठीक है, और हमारा स्टॉक प्राइस 100 ही पॉइंट मूव करेगा दोस्तों, आप ध्यान रखना, पर आपको पॉइंट वहां पर 35 मिलेंगे, समझो दोस्तों। और वहीं आपको आईटीएम में बेनिफिट मिल रहा था ज्यादा, ठीक है, एटीएम में हमको हमेशा सफिशियंट बेनिफिट मिलेगा, हमारा सफिशियंट रिस्क मैनेजमेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है, समझना इस बात को। तो दोस्तों आप समझो ओटीएम और एटीएम और आईटीएम में कितना डिफरेंस है, क्या थीटा है, कितना हमारा प्रीमियम डीके करता है, कितना हमको रिवार्ड देता है, कितना नहीं, वो चीजें आपको क्लियर हो रही होगी धीरे धीरे दोस्तों। तो हमारा 100 पॉइंट, हर जैसे 100 पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है हमारे स्टॉक प्राइस में, ठीक है, तो वहां पे आपने देखा है कि हमको हमेशा 5 पॉइंट का डिफरेंस मिलेगा अगर हमारा स्टॉक प्राइस, अगर हमारा स्पोर्ट भी 100 पॉइंट मूव कर रहा है, ये हम 100 पॉइंट के मूव की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हर स्टॉक प्राइस के बीच का डिफरेंस आईटीएम ओटीएम एटीएम में 5 पॉइंट का रहेगा। अगर हम ओटीएम की तरफ जा रहे हैं तो 5 पॉइंट घटते चले जाएंगे, और अगर हम आईटीएम की बात कर रहे हैं दोस्तों, आईटीएम में हमारे में 5 पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे, जैसे पहले हम 50 मिले थे, सॉरी 55 मिले थे, दूसरे में 60 मिले, तीसरे में 65 मिले, तो दोस्तों वहाँ पे हमेशा 5 पॉइंट प्लस होते चले जाएंगे। यही हमारा थीटा कहता है कि आप ओटीएम में बेनिफिट लोगे या एटीएम में, वो आपको डिसाइड करना है। मेरा पता है सबको, मेरी चाल का पता है कि मैं कैसे आपको उलझाऊंगा, कैसे मैं आपको उलझाकर खड़ा कर दूंगा मार्केट में। आप देखते हैं ना, आपने टारगेट लगा दिया 50 पॉइंट का कि मैं तो 44,300 का कॉल बाय कर रहा हूँ और मेरे को 50 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता मार्केट में, आपको समझना होगा कि आपको पता होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले कि हमारा हासिल क्या होगा और हमारा टारगेट क्या होगा, अगर हमारा स्टॉक हमारा स्पोर्ट हमारे तरीके से मूव करता है तो, ठीक है। तो हम आपको स्टॉप लॉस की बता देते हैं दोस्तों, कैसे आप टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सपोज कीजिए आपने प्रिडिक्ट किया कि हमारी मार्केट 44,100 से, सॉरी 44,000 से 44,100 तक जाएगी, हमारा मूव होगा 100 पॉइंट का, तो और मैंने 43,900 का आईटीएम बाय कर रखा है, ठीक है, ठीक है, और मेरा एसएल होगा 43,050 का, तो आपको वो सिंपली पता होगा दोस्तों कि मेरे को एसएल कहाँ लगाना है और मेरे को टारगेट कहाँ लगाना है, वो आपको इस वीडियो में पता चल गया है दोस्तों कि आपको एसएल और टारगेट
का लगाना है, समझ रहे हो? आप मेरे आधे बंदे समझ गए होगे दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको कैसे। आपने मार्केट में 44,000 के पास कॉल बाय करी और 44,100 का आपका स्पॉट पर टारगेट है, तो हमको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है? आपका 43,950 का स्टॉप लॉस है। आपको पता है कि मेरा अगर स्टॉक प्राइस है, मेरा जो आईटीएम है वो 50.55 पॉइंट मूव करेगा, ठीक है? वो अगर मेरा स्पोर्ट 50-100 पॉइंट मूव करता है तो वो 50-55 पॉइंट मूव करेगा, तो मैं अपना 50 पॉइंट का टारगेट लगा दूंगा। 5 पॉइंट नीचे करके हमारा टारगेट लग जाएगा दोस्तों, हमारा टारगेट होगा 5 पॉइंट नीचे 50 का, ठीक है? क्योंकि देखो दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट लेके चलोगे तो आपको बीडिंग नहीं मिलेगी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑप्शन में मिल जाती है कई बार। तो आपको समझना होगा कि हमारा टारगेट क्या होगा। हम वहाँ पे 5 पॉइंट पहले ही अपना टारगेट लगा देंगे, वो हमारा परफेक्ट टारगेट होगा। और वो 5 पॉइंट अगर ऊपर जाके वापस आ जाता है तो आपको उसको दुख नहीं होगा दोस्तों, कई बार ऊपर लग चला जाता है। बट आपको एक डॉट टू डॉट अगर काम करना है तो आपको इस पर फॉलो करना होगा दोस्तों। और एसएल हमारा क्या होगा दोस्तों, अगर हमारा 43,950 का एसएल है, ठीक है, अगर हमारा 43,950 का एसएल है स्पॉट पर, तो हम सिंपली 22-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, क्योंकि उसको हम ऑफ करेंगे। अगर हमारा 55 पॉइंट का टारगेट था तो वो हमारा 100 पॉइंट के मोमेंटम पर था, और अगर अब हमारा एसएल 50 पॉइंट के मुंह पर है, ठीक है, हमारा एसएल अब 50 पॉइंट के स्पोर्ट के मुंह पर है, अगर हमारा ट्रेड अपोजिट जाता है, अपोजिट साइड जाता है दोस्तों, तो हमारा एसएल वहाँ पे 50 पॉइंट के स्पोर्ट के 50 पॉइंट का एसएल है, तो हमारा एसएल ऑप्शन में वो 20 से 30 पॉइंट का बैठेगा। आपको पता चल चुका है ऑलरेडी कि मेरा तो एसएल 50 50, मेरा 55 पॉइंट का टारगेट है 50 पॉइंट का, और मैं हाफ पॉइंट का स्पोर्ट का टारगेट एसएल दे रहा हूँ, तो वो मेरा एसएल 20 से 25 या 25 से 30 पॉइंट का होगा। वो आपको पहले ही पता होगा, आपका रिस्क रिवार्ड, आपको ये वेट नहीं, आपको बिना मार्केट में बिना सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाए नहीं बैठना है दोस्तों। वो आपको पता होगा कि अगर मेरा 50 पॉइंट अपोजिट जाता है तो मेरे को कितना लॉस होगा, ठीक है, कितने पॉइंट मेरे ऑप्शन में जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये होप ये क्लियर होगा। ऐसे ही पुट साइड में है दोस्तों, पुट साइड में अगर हम देखते हैं, बस पुट में हमको अपोजिट करना है, हमारा आईटीएम इस साइड होता चला जाएगा, ठीक है, ये हमारा आईटीएम होता चला जाएगा और ओटीएम हमारा ये होता चला जाएगा पुट के केस में दोस्तों। और ओटीएम की देखो, ओटीएम में खामी क्या है, हमारा ट्रेड हमारी डायरेक्शन में जाता चला जाएगा, ठीक है, बट डेल्टा है, डेल्टा और थीटा, थीटा हमारा ऑप्शन डी के करता है, वो थीटे को हम कवर करेंगे दोस्तों आने वाली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसीलिए दोस्तों, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत यूजफुल होने वाली है आपके लिए, आपकी जर्नी के लिए। जितना नॉलेज आपको शेयर आपको वीडियो के माध्यम से हम शेयर कर सकेंगे, हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम आपको बिगनर से एक प्रो ट्रेडर की तरफ ले जा सकते हैं दोस्तों, हम पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों समझना, ठीक है, ओटीएम में थीटा का खेल क्या होता है, मैक्सिमम टाइम ओटीएम में लॉस होता है दोस्तों, और ओटीएम कहाँ बाय करना है कहाँ नहीं, वो भी हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट है इस टॉपिक के बारे में तो हमको कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, बिना हिचकिचाहट के किसी भी डाउट, अगर आपका कोई डाउट है या अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, ठीक है, डेल्टा हमने क्लियर कर दिया, थीटा हम क्लियर करेंगे आने वाली वीडियो में, अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रेस बेल आइकन प्रेस करके रखना दोस्तों, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, इससे भी अच्छी नॉलेज लेवल वीडियो लाएंगे आपके लिए और भी। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पे लाइक करना और कमेंट करना ना भूले, अगर आपका कोई डाउट है तो हमसे जरूर शेयर करें, हम आपको उस डाउट को क्लियर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।